और आप गणित की बात कर रहे हैं स्पेशली, सर सवाल नहीं सॉल्व हो रहे, पहली बात मैथ्स के हैं, दूसरी बात स्माइली भेजने से क्वेश्चन सॉल्व होते भी नहीं है। आपने एक दिमाग में हायरार्की बना रखी है, सब समझ में आ गया, सबको समझ में आता है, सब एक आधा या पॉइंट या फिर एक आधा सवाल थोड़ा सा बस डाउट होता होगा, बाकी सारा सबको समझ में आता है। आप उसके बाद की हायरार्की को डिस्टर्ब करिए प्लीज, आपने गलत सोच रखा है। बिना कुछ किए, बिना रिवाइज किए, बिना कॉन्सेप्ट जाने हम सवालों पे अटैक करेंगे, नहीं सॉल्व होंगे। तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि तुम सारे सवाल सॉल्व कर दोगे तब तुम IITian बनोगे, नहीं। अगर आपकी जिंदगी में लेट से इन टोटल आपके सामने 100 सवाल आए हैं, ध्यान सुनना प्लीज, 100 क्वेश्चंस आर देयर, जिसमें से आपसे 40 क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट गो में सॉल्व हो गए। सर हमसे 60 नहीं सॉल्व हुए, उसकी भी अगर हम बाइफर्केशन करें तो इसमें से 40 आफ्टर सॉल्यूशन सॉल्व हुए, आफ्टर सॉल्यूशन। सर 20 जो है वो सॉल्यूशन के बाद में भी नहीं समझ में आए। तो ये आपकी मेहनत है, क्लासरूम या डेडिकेशन बोल दो, ये अब आपका टारगेट है। टारगेट मतलब आपसे अगर ये 40 सवाल फर्स्ट गो में नहीं सॉल्व हुए थे, इस पार्ट को आप एनालाइज करो कि हाँ भाई ये 40 सवाल सॉल्व होने का कारण क्या था, ना सॉल्व होने का, मुझसे नहीं सॉल्व हुआ, प्लस माइनस का एरर था, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, हमें टीचर ने नहीं पढ़ाया, ऐसा कुछ सुना नहीं, बहुत सारे कारण निकल के आए। उसके बाद में जो ये 20 बचे, इनको आप क्रिटिकल थिंकिंग वाले पार्ट में रखिए, समझ में आया, ये वाले जो 20 है जो सॉल्यूशन देखने के बाद में भी नहीं समझ में आएगी ये क्या बोल रहा है, इनको CTQ में आप रखिए, क्रिटिकल थिंकिंग वाले में। इनको आपको बार 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 देखना पड़ेगा, और ये एक बार में नहीं होते हैं, और अभी इस मोमेंट पे ऐसे याद रखना पड़ता है जैसे हम लोग याद रखते हैं कि एक सवाल था यार उस चैप्टर में, बड़ा बहुत जोरदार सवाल था, उसको सॉल्व करने का तरीका ये था। ऐसे तुम सोच रहे हो कि थ्योरी पढ़ते ही सवाल सॉल्व होंगे, ये 10वीं वाला तरीका छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होता। आपकी चैप्टर में लर्निंग ड्यूरिंग द कोर्स, जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तब उसमें लर्निंग होती है 30%, रिवीजन से 20% और बढ़ा लो, बाकी 50% चैप्टर की लर्निंग होती है प्रैक्टिस से। और आप गणित की बात कर रहे हैं स्पेशली, सर सवाल नहीं सॉल्व हो रहे, पहली बात मैथ्स के हैं, दूसरी बात दिमाग लगेगा, जोर लगेगा बहुत ज्यादा, और प्रैक्टिस की कोई अपर लिमिट नहीं है, जो जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेगा उसके उतने ही अच्छे थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट सारी चीजें क्लिक होने लगेगी। तो तूने अभी 10-10, 12-12 घंटे घर पे बैठ के पढ़ाई की है, कमर तोड़ पढ़ाई जिसको हम बोलते हैं, पर हमने अपनी ना हेल्थ का ध्यान रखा, ना सोने का ध्यान रखा, ना आंखों का ध्यान।